हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी मेरा शाम का चाय का प्रिपरेशन चल रहा है। अभी चाय लेके थोड़ा सा नेक्स्ट काम में बिजी हो जाएंगे 9 बजे तक, क्योंकि मैं अपने आप को भी बिजी कर ली। मैं ट्यूटोरियल क्लासेस स्टार्ट कर ली हूँ, बोर्ड का क्लास है सब, तो सबका पेपर वगैरह आज ख़त्म ही हो गया है। तो अभी मेरे को बैठना है, एक बैच हो गया तो अभी दूसरा बैच स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सोचकर चाय पी ली जाए जाए चाय पी लिया जाए और चाय पी के फिर दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। ये चाय खोल रहा है, थोड़ा सा दर्द रख के दे देते हैं। ये चाय बहुत ज़रूरत है, चाय के बगैर मेरा तो चारा नहीं। आप लोग को तो पता, मैं कई बार बोल चुकी हूँ वीडियो में, है ना। तो चलिए कप लेके आते हैं और फिर मैं थोड़ा सा अच्छे से ही बिज़ी हो गई हूँ। और जो मुझे पसंद भी है एक्चुअली, क्या है ना, मेरे को एजुकेशन से बहुत लगाव है और समय ऐसे बीत रहा है जो मैं जैसे चाहती हूँ वैसे बीत रहा है। और एजुकेशन का कोई भी एज नहीं होता है, पढ़ने वाले का भी, और पढ़ाने वाले का एज कैसे होगा, वो तो इनफ एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और मेन है कि इंटरेस्ट है तो चलिए चाय पी लें, पी के अपना काम शुरू करें। खाना लेट ही बनेगा, माँ बेटे का खाना, खाना वाना मैं अपने ही हाथ से बनाती हूँ। मुझे किसी के हाथ का, मैंने अभी तक, जब पता नहीं बन पाएगा तब देखा जाएगा, फिलहाल तो नहीं। मैं जॉब में थी, इतना टाइट शेड्यूल रहता था, बिजी रहती थी, मतलब बिजी का हाइट हो जाता था, तब भी मैं कभी भी काम वाली लोग से नहीं बनवाया, जबकि मेरे यहाँ तो हेल्पिंग हैंड बहुत इजीली अवेलेबल थे। हाँ, मेरे को थोड़ा सा कुछ कुछ लगता है, मैं सब्जी कटवा लूँ, फिर भी हम लोग बंगाली स्टाइल में सब्जी नहीं काट पाते इन लोग। आटा तो मैं बिल्कुल ही नहीं गुलवा सकती, मेरे को तो बहुत घिन लगता है। और फिर खाना बनाने आएंगी तो फिर वो मैं कपड़े वपड़े चेंज, हमारे यहाँ था वो कि कपड़े आपको चेंज करके ही खाना बनाना है। और मैं भी यदि कभी भी रखूँगी तो मेरा भी वही रूल रहेगा, कपड़े चेंज करके। मैं ऐसे नहीं खाना बनवा सकती जो पहन के हैं घर में रहते, वही पहन के आके कपड़ा पे बना। हो सकता मेरा ये अच्छी आदत ना हो, बट क्या करें ना, एक बार दिमाग में कोई बात बैठ जाती है, इसलिए तो मैं अपने हाथ से बनाती हूँ। जैसे भी बन जाता, बहुत महाभोज का आयोजन नहीं होता, बट खाने लायक सामान बन जाता है, इसलिए नहीं बन पाता तो वो भी एडजस्ट हो जाता है। चलिए चाय छान लिया जाए, थोड़ा सा इसको खौलाएंगे आज, थोड़ा आज स्ट्रॉन्ग पियेंगे, स्लाइटली कम है ना, 1 कप चाय तो ज़्यादा खौलने से सूख जाता है, थोड़ा सा बन जाता है। चाय लेके चल रही हूँ अभी, दूसरा बैच स्टार्ट होगा मेरा। लाइट वाइट जला देती हूँ, बारिश का मौसम है ना, जल गया लाइट, पंखा भी थोड़ा ऑन करती हूँ, गर्मी लग रहा। चेल्सी यहाँ आ जाओ, दोस्त को बुला रहे हैं, वो वहाँ पे बैठा है। ठीक है गाइस, चाय एंजॉय करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ भी चीज़ का बैरियर मत रखिए कि मेरे को यही करना है, मेरा एज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप तब नहीं कर पाए थे अभी करिए, मेरा फिंगर आ रहा था, जो तब नहीं कर पाए थे अभी करिए, जो आपका चॉइस हो, आपका जैसे पार्टी है, आपका फ्रेंड सर्कल जैसा है, उसके उसके तरह भी आप करो। मेरा वैसा कभी भी नहीं था ज़्यादा फ्रेंड वेंड सर्कल, मैं शुरू से जॉब में थी, अपने काम में बिजी रहती थी। पहले भी मेरा यहाँ ट्यूशन कोचिंग चल रहा था, पूरा रूम भरा रहता था, तब मैं यहीं रहती थी आधारताल आनंद नगर में, तब भी मेरा कोचिंग चलता था। और उस समय तो सांस लेने का मेरे को पास समय नहीं था, स्कूल भी था, वहाँ से आके फिर थोड़ा
रेस्ट करके, थोड़ा सा ही रेस्ट होता था, 1 घंटा भी नहीं, उसके बाद पूरा बैच के बैच मेरा चालू होता था रात को 9:30-10 बजे तक, है ना। स्कूल से आते थे 2:30 बजे, आधा घंटा रेस्ट किए और उसके बाद फिर मेरा चालू। तो घर के लोग बहुत कोऑपरेटिंग थे, खूब कोऑपरेट किया मेरे को, कभी नहीं बोला ये काम करो वो काम, इन्वॉल्व नहीं किया, क्यों देख रहे हैं कि इतना बिजी शेड्यूल इनका चलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं शुरू से ही इसी में हूँ, नैक मेरा यही है, इंटरेस्ट मेरा यही है कि अपने आप को बिजी रखना काम में, है ना। सब करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, गार्डनिंग जो जो मेरे को शौक है करती हूँ, तो चलता रहता है। मेरे कहने का मतलब सब लेडीज़ का अपना अपना चॉइस होता है, उसके अनुसार वो अपना लाइफ एंजॉय करें। देखिए लाइफ कभी कभी क्या होता है ना, लेडीज़ बहुत सेक्रीफाइस के उसमें रहते हैं कि अभी नहीं करेंगे, बच्चे बड़े हो जाए, अभी पढ़ाई में खर्चा हो रहा है, ये वो, करते करते उनका पूरा समय चला जाता है, इंटरेस्ट डाउन हो जाता है, जो चीज़ कम एज में होता है वो नहीं होता है। बट मैं तो कहूँगी कि एज वेज कुछ नहीं होता है, जब समय मिले, जैसे अभी यदि आपके पास इनफ टाइम है, अब क्या करें, सब कुछ अच्छा करना आपके हाथ में जब नहीं है तो आप अपना वाला टाइम क्यों वो करोगे, उसको आप मतलब जिस तरीके से आप एंजॉय करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, जो करने से आपका मन थोड़ा डाइवर्ट होता है, अच्छा लगता है, वो सब चीज़ आप करो। आप जैसे लेडीज़ के साथ में, जैसे जिनका जैसा है कॉन्टैक्ट, जैसे जो है उस तरीके से आप उसको एंजॉय करो। ये ज़रूरी नहीं कि आप घर में बैठ के, ये एज हो गया तो बैठ के ये किताब पढ़ रहा है कहानी भगवान का, तो वो जो चॉइस है जिनको वो करते हैं। बट मैं ज़्यादातर आजकल देख रही हूँ कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा मैंने ये हो गए हैं कि अपडेट हो गए इस मामले में, कि लाइफ को अब पहचानने लगे, थोड़ा देर हुआ बट कुछ नहीं, वो अपने नए जनरेशन को भी लेसन दे रहे हैं कि तुम लोग वो वाला काम नहीं करो जो हमने किया। देखो सबका लाइफ अलग है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, सब इंडिविजुअल है, सबका लक का जो जो मिलना है नहीं मिलना वो सारा कुछ पहले से उनका सिलेबस रेडी, उसमें आप मतलब एडिशन डिलीशन का कोई गुंजाइश नहीं है, तो जो मिलना होगा उनको टिल जहाँ तक उसको लाइफ सर्वाइव करना है वहाँ तक उसको मिलेगा, जो नहीं मिलना नहीं मिलेगा। इतना मैच्योरिटी ब्रेन में रख के, मेंटेलिटी में रख के हम लोग को चलना है, ऐसा नहीं कि हम किसी के लिए बैठे रहे, तब भी बैठे थे अभी बैठे थे, कि कौन कब आएगा, किसको गर्म खाना देना है, किसको तुरंत बना के देना है, और किसके लिए रास्ता देख रहा, वो सब भी करना है क्योंकि वो भी लाइफ है। बट उसको एकदम से उसी में आप झुक जाओ और अपना लाइफ को जीरो बना दो, बाद में पछताओ, ये ठीक नहीं। जैसा तब जिसको जैसा मेरा कहने का मतलब मौका मिले वैसा करिए। वैसे मैंने खुद ही किया है, सेक्रीफाइस बहुत किया है। मैं जब यंग थी तो बोला अरे वो सब एंजॉय सब बाद में होगा, मैं कहीं कोई सोशल फंक्शन वगैरह में नहीं, खाली पढ़ाई में रहती थी, यार वो सब होगा पहले, अच्छे से पहले मैं अपना स्टेबल हो जाऊँ, अच्छे से कुछ कर लूँ, उसके बाद वो सब तो होगा। बट नहीं होता है, मेरा लाइफ में जो डिस्टर्बेंस हुआ है तो उसका वो तो मेरे को बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मिल गया कि मैंने तब भी नहीं किया था, अभी नहीं कर पा रहे और अभी भी नहीं कर पाएंगे जो चीज़ वो हमने छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए लाइफ में, जिसको जो अच्छा मौका मिले उसको एंजॉय करना चाहिए, मतलब घूमो फिरो, एंजॉय करो और लाइफ को जीते जाओ, और जो समय जैसे जैसे आएगा वो अपना रंग दिखाएगा चला जाएगा। कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, सब अनस्टेबल है। देखिए एक मैंने लेसन उसमें डाला था पॉजिटिव थॉट में कि देखिए जो ऊंचाई में चढ़ जाते हैं ना उसको भी ध्यान रखना कि वहाँ कोई चेयर नहीं है, वहाँ बैठने की जगह नहीं है, इसका मतलब ये कहलाता है कि वो कोई स्टेबल पोजीशन नहीं है, वो भी डाउन होता है। उसी तरह दुख सुख जो है आता जाएगा। यदि सोचो कि मैं डिसअपॉइंट और मेरा सब काम हो गया, एक ही काम के लिए मेरा लाइफ डिस्टर्ब हो गया, तो वो होना ही था, वो होगा, अच्छा होना होगा। कोई बोलते ना जैसे बहुत लास्ट स्टेज में भी आपको कुछ कुछ अच्छा होने लगता है और आप सोचते चलो हम, तो उसका भी कोई सर्टनिटी नहीं है, वो भी स्टेबल नहीं है, उसमें भी कह ले अभी भी कभी भी कोई भी एकदम वो 120 डिग्री पे भी नीचे गिर सकता है। पर मैं नहीं चाहूँगी ऐसा हो, पर होता है ये, मैंने परिस्थिति को देखा हुआ है मैंने ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि अपना लाइफ एंजॉय करो, खुश रहो, मस्त रहो, एंगेज रहो। बीमारी है, उसका इलाज चल रहा, उसका दवाई चल रहा, हो रहा है, उसी को लेकर बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि सब कुछ आपके मतलब जन्म मृत्यु जो है आपके हाथ में नहीं, जाना आना वो सब जिसके हाथ में जिसने भेजा उसको जाने, सब जिम्मेदारी हम ही लेंगे, क्या सोचने का, ठीक है। चलो बहुत बचीता हो गया, थोड़ा चाय पी लेंगे, ठंडा हो जाएगा मेरा चाय। बाय बाय।